जब चाइना को समर ओलंपिक 2008 होस्ट करने का मौका दिया गया था, तब चाइना ने $40 बिलियन खर्च करके नए स्टेडियम से लेकर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, सभी चीजों की व्यवस्था की। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे, दुनिया भर की टीम बीजिंग पहुंच चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। फिर चाइना गवर्नमेंट को वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट से बीजिंग में तूफानी बारिश होने का खबर मिली, वो भी ठीक ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि बीजिंग नेशनल स्टेडियम ओपन एयर था। अब इवेंट में सिर्फ 1 दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर जोड़कर बैठे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होगी। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। गाइस, वीडियो को लाइक और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।